डीएवी स्कूल हमीरपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने महर्षि दयानंद सरस्वती की तस्वीर पर पुष्प अर्पण किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य ने स्कूल में कार्यरत महिला कर्मियों को कार्ड देकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने कहा कि आज बड़ा सुखद संयोग है कि महिला सशक्तिकरण व नारी शिक्षा के लिए आंदोलन करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती है, तो वहीं आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज समाज के हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका अदा कर रही हैं और देश की प्रगति में भी अपना विशेष योगदान दे रही हैं। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और कहा कि डीएवी संस्था उनके मूल्यों पर आधारित है और उनके प्रचार के लिए काम करती आ रही है। लेकिन मैं आप सभी जानते ही हैं, जब भी हम कभी जयकारा लगाते हैं तो यही कहा जाता है सियापति रामचंद्र की जय। तो नाम तो उन्हीं का पहले आता है। आप डोमिनेट तो कर ही रहे हैं आजकल। आई एम नॉट सेइंग डोमिनेट इन द फील्ड ऑफ यू आर डोमिनेटिंग द पीपल, आई एम सेइंग दैट हर फील्ड में वुमेन पावर इज मोर एंड इट इज कार्विंग अ नीच फॉर इटसेल्फ। गर्ल्स आर डूइंग ग्रेट हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हर प्लेस पर वुमेन आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। गॉन आर दो डेज, आर दो डेज जब कहा जाता था कि ये वुमेन नहीं कर पाई या ये इनके बस का नहीं। एयरप्लेन चलाने से लेकर अब तो फाइटर प्लेन्स तक वुमेन आर फ्लाइंग। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे बड़ा काम जो किया था वो यही था, वुमेन इमेंसिपेशन। उन्होंने कहा बैक टू वेदास, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को पढ़ने दो, उन्हें ना सिर्फ पढ़ाई करने दो, उन्हें यज्ञ करने का भी अधिकार हो, वो बैठ सके और खुद यज्ञ कर सके। ये सबसे बड़ी देन रही स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो सिर्फ विचारक नहीं थे, एक तरह से हम उन्हें भारत में सबसे पहला क्रांतिकारी कह सकते हैं जिन्होंने अपने विचारों से ही क्रांति की।